रहीम आज की रेसिपी है मंगोचियों की मंगोचियाँ बनाने के लिए यहाँ ली गई है दो कप दाल दो कप दाल को पानी में भिगो दिया था दो घंटे पहले दो घंटे तक ये दाल भीगी है इसके बाद पानी बिल्कुल अलग कर देना है और दाल को कर लेना है ग्राइंड ग्राइंड इस तरह के पानी में करना है कि सिर्फ इसका पेस्ट बन जाए बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए दाल बल्कि इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए इसमें जाएगा नमक हंस पर मिर्च वन टी बिल्कुल चुटकी बराबर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा एक अदद प्याज बारीक कटी हुई कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा धनिया ये सब डाल के इसको मिक्स कर देना है दूसरी तरफ ऑयल गरम हो रहा है इसमें चमचे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह मंगूचियों को रखते जाना है अगर ये इस वक्त पतला होता पेस्ट तो ये नहीं ठहरता बल्कि बिल्कुल बह जाता इसलिए गाढ़ा इसका पेस्ट हमने ग्राइंड करना है और उसके बाद इसको तल लेना है पहले एक साइड से सिकने देंगे उसके बाद पलट के दूसरी साइड से सिकने देंगे मंगोचियाँ आप तैयार हैं बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है इनको निकाल लेते हैं प्लेट में एक और तरीका बताया जा रहा है यानी हाथ की मदद से भी मंगोचियाँ ऑयल में डाली जाती हैं और बहुत अच्छी शेप की बनती हैं ये मंगोचियाँ इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट उठाना है हाथ में और इसको ऑयल में डाल देना है ये भी बहुत अच्छी छोटे छोटे साइज़ की मंगोचियाँ आपकी तैयार होंगी इसको भी इसी तरह एक साइड से सिकने देंगे और उसके बाद पलट देंगे दूसरी साइड से सिकेंगी और फिर इसको भी निकाल लेंगे प्लेट में तमाम अंगोचियाँ जब हमारी तैयार हो जाएंगी तो दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं पैन में ही इसका सालन बनाने की इसमें डाला हमने थोड़ा सा ऑयल एक से डेढ़ अदक प्याज हमने ग्राइंड करके रखी थी वो डाल दी है इसमें इसको चलाते हैं थोड़ी देर कच्ची प्याज का अगर सालन बनाएंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में इसलिए इसको हम बार बार भूनते जाएँगे और चलाते जाएँगे इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून एक से डेढ़ अद टमाटर इसको भी ग्राइंड कर लिया था इन तमाम चीज़ों को इस वक्त भूनना शुरू करते हैं नमक जा रहा है हाफ़ टी स्पून मिर्च जा रही है वन टी स्पून वन टी स्पून धनिया हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये तमाम मसाले इसमें जाने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनना है कच्ची प्याज को काफ़ी देर हमने पानी डालने के बाद भी पकाना यह ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए यहाँ जा रहा है आधी कटोरी के करीब दही पहले हम इन तमाम चीज़ों को इतना भूनते हैं कि थोड़ी शक्ल भुनी भुनी हो जाए इसकी इसके बाद इसमें एक कप पानी डाल के इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है अब तकरीबन दस से पंद्रह मिनट हो चुके हैं ढकना हटा लिया है पैन का और इसको भूनना शुरू करना है इस वक्त इसको बहुत अच्छा भून लेना है ऑयल अलग हो गया है भूनने के बाद अब इसमें शामिल करना है पानी शोरबे के लिए चूँकि ये मंगोचियाँ बहुत सारा शोरबा पी लेती हैं इसलिए काफ़ी सारा पानी इसमें शामिल किया है मैंने तकरीबन चार कप के करीब पानी इसमें गया है पानी अगर ज़्यादा होगा तभी ये शोरबा आपके पास बचेगा वरना थोड़ी देर में मंगोचियाँ तमाम शोरबा पी लेती हैं तो पानी इसमें इस हिसाब से डालना है जैसे ही पानी में उबाल आया इसमें डाल दी हैं मंगोचियाँ तेज आँच पे ये पक रहा है दो तीन हरी मिर्च थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी ढकना ढकने के बाद भी दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह तेज़ आंच पे इसको पकने दिया है अब चूल्हा कर देना है बंद अगर ये आपको फ़ौरी सर्व करना है तो ये बिल्कुल सही है इस वक्त खा सकते हैं लेकिन अगर आपको इसको कई घंटे रखना है यानी दोपहर को पकाया है और शाम को यूज़ करना है खाना है तो ये सारा शोरबा इसका खुश्क हो जाएगा मंगोचियाँ शोरबा पी लेती हैं तो इसके लिए करना ये है कि मंगोचियाँ अलग डिश में निकाल दीजिए और शोरबा अलग रहने दीजिए जब आपको शाम में सर्व करना हो तो फिर आप इसको दोबारा शोरबे में डाल दीजिए मंगोचियों को और एक दे के इसको सर्व कीजिए क्योंकि जितनी देर मंगोचियाँ शोरबे में रहेंगी शोरबा इसका खुश्क होता रहेगा जब सालन तैयार हो जाए और अब आप चूल्हा बंद कर रहे हैं इसका तो इस वक्त आपका शोरबा काफ़ी पतला होना चाहिए क्योंकि ये खुद ही गाढ़ा होगा अगर आपने पका के ही बहुत गाढ़ा कर लिया शोरवे को तो फिर ये शक्ल नहीं आएगी जिस तरह की इस वक्त इस सालन की आई है रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम ही वीडियोस आपको मिलती रहें